ओके, बट नॉट दिस प्रॉपर्टी। अब जो प्रॉपर्टी आ रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान है ना। अगला चैप्टर जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके लिए ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो ये लेट से एक फंक्शन हमें दे रखा है, ये फंक्शन, ये है आपका ए बी सी डी, ये है 1 2 3 4। लेट से ए का रिलेशन 1 से है, बी का 2 से है, सी का 3 से है, डी का 4 से है। ये सेट है ए, ये सेट है बी, और ये फंक्शन है एफ, ठीक है। तो अगर एफ ये है तो बताओ एफ इनवर्स क्या होगा। एफ इनवर्स जो होगा वो बी से ए होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, यहाँ पे ए बी सी डी होगा। तो 1 का ए होगा, 2 का बी होगा, 3 का सी होगा, 4 का डी, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन है, ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग ये एफ इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि अगर अब मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एफ इनवर्स, मैं 3 चीजें पूछता हूँ, ठीक है ना। एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, या 1 की जगह 2 कर देता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ सी क्या होगा, और एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 4 क्या होगा। इसी तरह से आपसे फिर एक इधर क्वेश्चन है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 1 क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ बी क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ सी क्या होगा, और एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ डी ये क्या होगा, ठीक है। दोनों फंक्शन आपके सामने बने हो, कंपोजिट फंक्शन की बात हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग कोई बताए मुझे, चलो हम इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कोई कोई मुझे बता सकता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ओके ना बताओ एफ ऑफ एफ इनवर्स ए क्या आएगा। आएगा ही नहीं। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? हम लोगों ने क्या बोला था कि एफ ऑफ जी एक्स में सबसे पहले एक्स शुड बी एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी, फिर जी एक्स शुड बी एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, बताया था ये कंपोजिट में। तो यहां पे एफ ऑफ एफ इनवर्स में जो वैल्यू रखूंगा वो वैल्यू किस में आनी चाहिए, एफ इनवर्स के डोमेन में। एफ इनवर्स का डोमेन कौन है, बी, और बी में ए बी सी डी नहीं आ रहे, इस कारण से ये नॉट डिफाइंड और ये भी नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इनपुट जो है उसके लिए एफ इनवर्स डिफाइंड नहीं। अच्छा, लेकिन 2 और 4 के लिए तो डिफाइंड है ना। तो एफ इनवर्स ऑफ 2 क्या वैल्यू आएगी, बी, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 बी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी। लेकिन एफ ऑफ बी क्या है, 2, एफ ऑफ बी कितना आ जाएगा, 2। तब एफ ऑफ एफ इनवर्स 2 कितना आ रहा है, 2। एफ ऑफ इसी तरह से एफ ऑफ एफ इनवर्स 4 क्या आएगा, एफ इनवर्स 4 कितना आएगा, एफ डी। एफ ऑफ बी कितना आ रहा है, 4। क्या हुआ, ए बी सी डी पे डिफाइन नहीं था तो वो तो हट गए, लेकिन 1 2 3 4 पे डिफाइन है, तो जो वैल्यू मैं रख रहा हूं वही वैल्यू बाहर आ रही है। यहाँ पे 2 इनपुट करा, फाइनल आंसर 2 आया, यहाँ 4 इनपुट करा, यहाँ फाइनल आंसर क्या आया, 4 आया। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 1, अब f में रख रहे हैं 1, तो f का डोमेन है ABCD, तो इस कारण से 1 और 3 ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये डोमेन में ही नहीं है, हाँ ABCD है। तो f of b क्या है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, f, ये हो जाएगा f inverse 2, ठीक है।
F inverse of 2, F inverse 2 कितना हो जाएगा B, तो बताओ ये आंसर क्या आ रहा है B। इसी तरह से यहां देखो यही आंसर क्या आ रहा है D। तो ये जो भी हमने करा यही ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे हिंदी में करके बताता हूं, तो ये यहां पे कहा क्या जा रहा है कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x, लेकिन कब, जब x f इनवर्स के डोमेन में हो, x शुड बी एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ f इनवर्स। लेकिन f इनवर्स का डोमेन, अगर f फंक्शन a से b था तो f इनवर्स कहां से कहां होगा, b से a, तो डोमेन ऑफ f इनवर्स, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स कौन है बी, लेकिन बी तो एफ का क्या है रेंज, तो और रेंज ऑफ एफ, अगर एक्स इसमें लाई करता है मतलब एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, तो हमारा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स हमेशा क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है। इसी तरह से एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो भी एक्स आएगा, लेकिन कब, जब एक्स एफ के डोमेन मतलब एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, मतलब x should be element of domain of f और range of f inverse। ये बहुत 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 important चीज है अगले chapter के लिए, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। जो रखोगे वही मिलेगा, बस domain में होना चाहिए। तो f inverse का domain कौन, अच्छा ये अब आप बोलोगे सर ये तो x आ रहा है, वहां पे तो i लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो i क्या है वो भी दिखा देता हूँ। i का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, I का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब जो रखोगे आइडेंटिटी फंक्शन होता है y equals to x, ठीक है। तो एक तरह से fog भी x है, gog भी x है, लेकिन x जो आएगा वो कहां कब कब पॉसिबल होगा, वो जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। fog कब डिफाइन होगा, जब x g के डोमेन में होगा। gog कब डिफाइन होगा, जब x f के डोमेन में होगा, ठीक है। तो यही चीज हम लोगों ने वहां पे लिखी थी, क्या ये बात सबको क्लियर हुई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी को यहाँ कुछ भी डाउट हो तो पूछेगा, मतलब सिंपल सा हम क्या बोल रहे हैं, f इनवर्स ऑफ f x इज x, यहाँ बोल रहे हैं कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x, लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब x a में आए, ये पॉसिबल कब है, जब x किस में आए b में। सर हाँ जी बोले, हाँ मतलब हमें ऐसा दिया होगा कि fog of x equal to x, तो हमें सब बोल सकते क्या कि वो इनवर्स हो गए। हाँ that is one of the case, basically fog of x equals to x, इसका मतलब तो यही होगा कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो f x equals to x ही आएगा, ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो that is one of the case, तो जो टेक्निकलिटी उसमें हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ जो तुम बोल रहे हो बोल सकते हो कि अगर हमें fog ऑफ एक्स क्या दे रखा है एक्स, अब वो सकते हो दैट इज वन ऑफ द केसेस जी एक्स, ठीक है, कि आपका जो यहाँ पे जी एक्स जो है वो आपका एफ का क्या होगा इनवर्स होगा, ठीक है। इसमें देखो जैसे मैं आपका एग्जांपल दूं, ये आपने पहले करे हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें, लेकिन हाँ बस वहां पे मैंने बोल दिया था वहां कि ऐसे ही होता है, लेकिन अब आप देखो कि अगर मैं इसको जैसे मैं तुमसे बोलूं कि f ऑफ x प्लस वन अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू x प्लस थ्री, ठीक है, नाउ फाइंड मी एफ एक्स, ये क्वेश्चन इस तरह करा था तुमने पहले, कोई बताएगा कैसे करें इस क्वेश्चन को, उसको t मान के, इसको t मान के, वेरी गुड, हम x प्लस वन अपॉन x माइनस वन को t मानेंगे, तो यहाँ पे x प्लस वन इज इक्वल टू टी एक्स माइनस टी, तो इस t को उधर ले जाते हैं, x को उधर लेते हैं, तो वन प्लस टी इज इक्वल टू टी एक्स माइनस एक्स, तो इससे x की वैल्यू वन प्लस टी अपॉन टी माइनस वन आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग जहाँ पे x, ये इस पूरे को हमने t बोल दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा टी हो गया, तो एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल टू
एक्स की जगह आएगा एक्स की वैल्यू क्या, वन प्लस टी अपॉन टी माइनस वन प्लस थ्री, एलसीएम लोगे तो फोर टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन आ गया, तो दिस इज एफ ऑफ टी। एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू फोर एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन आएगा। ये पहले ऐसे करा था क्वेश्चन, ध्यान है? अब जरा सोचो ये जो हमने स्टेप कर रहे हैं, वट एवर द स्टेप, हमने इसको t माना, फिर x को इन टर्म्स ऑफ t निकाला और x को t में रिप्लेस कर दिया, ये क्या प्रोसेस, इनवर्स फंक्शन निकालने की प्रोसेस है, है ना? ये जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी प्रोसेस इनवर्स फंक्शन निकालने की है। यहाँ पे फंक्शन किस फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे हैं, x प्लस वन अपॉन x माइनस वन का, इसको हम लोग y मान ले तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है? अगर एक फंक्शन कोई फंक्शन जी एक्स है, जी एक्स था आपका x प्लस वन अपॉन x माइनस वन, तो g इनवर्स x जो आएगा वो आपका वन प्लस x अपॉन x माइनस वन यही आएगा, ठीक है? तो बेसिकली इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि मान लीजिए आपको दे रखा है एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एच एक्स, कुछ ऐसा दे रखा है, और आपको एफ एक्स निकालना है कि एफ एक्स क्या है, तो हमें इस अंदर वाले को एक्स बनाना है ना, तो इस अंदर वाले को एक्स कैसे बनाऊं, एक्स की जगह क्या रख दूं, हमको क्या पता है जी ऑफ जी इनवर्स एक्स कितना होता है, एक्स होता है, तो हम यहां पे जहां जहां एक्स है वहां जी इनवर्स रख दो, एफ ऑफ जी ऑफ जी इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा एच ऑफ जी इनवर्स एक्स, ये क्या हो गया x, अभी जो पढ़ा तो f ऑफ x इज व्हाट h ऑफ g इनवर्स x, समझ में? इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो रहे थे उसमें एक्चुअल में हम यही कर रहे थे, इनवर्स फंक्शन का यूज हम लोगों ने अभी तक कई जगह करा, बस हमें पता नहीं था तो हम बोलते नहीं थे, ठीक है? एक केस ये हो गया, इसी तरह का एक केस और होता है, इसलिए एक एक्सप्रेशन और आता है कि जो तुम लोगों ने पहले यूज करा है वो कि जैसे मैंने आपसे बोला वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, बताओ इसका इमेज क्या हो, इसका रेंज क्या होगा, व्हाट इज द रेंज, बताएगा वेरी गुड, आर माइनस ए अपॉन सी, याद है कैसे निकाला था, रेंज निकालने का एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो फाइंड एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई, जब एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई आ जाए तो इस फंक्शन का क्या निकाल दो, डोमेन, ठीक है? इस फंक्शन का डोमेन निकाल दो तो वही आपका क्या आंसर आएगा, रेंज। देखो यहाँ पे वही करते थे, इसका रेंज निकालने की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी वाई एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स वाले टर्म एक तरफ तो सी वाई माइनस ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू बी माइनस डी वाई, तो एक्स की वैल्यू आती है बी माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस ए। अब बताओ ये डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो इसका मतलब सी वाई माइनस ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वाई कैन नॉट बी इक्वल टू ए बाय सी, तो हेंस द रेंज विल बी, इस किस फंक्शन का डोमेन क्या आया, ऑल रियल नंबर्स अदर देन ए बाय सी, और यही हमारा रेंज हो गया, ठीक है? आप और इसके का क्वेश्चन याद करो, वाई इक्वल टू टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन टू की पावर एक्स माइनस वन, इसका रेंज निकालना है। अब इसका रेंज निकालना कैसे निकालोगे, अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y टाइम्स 2 की पावर x माइनस y इक्वल्स टू 2 की पावर x प्लस 1, y को उधर ले जाओ 2 की, तो y माइनस 1 2 की पावर x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 2 की पावर x,
y equals to 2 की पावर x plus 1 upon 2 की पावर x minus 1. इसका रेंज निकालना है. कैसे निकालें? y times 2 की पावर x minus y is 2 की पावर x plus 1. तो 2 की पावर तो y minus 1 2 की पावर x is equals to y plus 1. तो 2 की पावर x is y plus 1 upon y minus 1. तो x is log of y plus 1 upon y minus 1 to the base 2. अब बताओ इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? y plus 1 upon y minus 1 should be greater than 0. तो इसको अगर wavy curve लगाऊं, critical point कौन से है? Minus 1 और 1. ये plus, ये minus. Interval आता है minus infinity से minus 1. Union 1 से लेके infinity आता है. यही आपका क्या हो जाएगा? Range. तो range निकालने में ऐसा question का हमने करा था. Basically ये क्यों हो रहा था? ये वही होता है जहां फंक्शन इनवर्टिबल होता है, जब आप x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये रेंज निकालने का तरीका क्या है? इनवर्स निकालने का तरीका है. अगर एक फंक्शन a से b दे रखा है तो हम निकाल रहे हैं क्या उसका इनवर्स. इनवर्स फंक्शन जो होगा वो b से a होगा. और इनवर्स फंक्शन का डोमेन ही फंक्शन का क्या होता है? रेंज. क्योंकि ये देख रहे हो यहाँ पे को डोमेन है, लेकिन क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव है तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज. तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का डोमेन आपके फंक्शन का क्या जाता है? रेंज. इसी कारण से हम लोग वहां पे ये अलग तरीका अप्लाई कर सकते थे. क्योंकि वही पॉसिबल है जहां पे फंक्शन इन्वर्टिबल हो, या फिर जहां पे एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई हम निकाल पाए. हम पहले यूज करते थे लेकिन तब बोलते नहीं थे, लेकिन अब समझ में आया क्या हुआ. उसी तरह से वो वाला क्वेश्चन की एफ ऑफ जी एक्स आपको कुछ दे रखा है, आपको एफ ऑफ जी एक्स दे रखा है और पूछ रहे हैं आपसे कि बताओ एफ एक्स क्या है. ठीक है, उसमें भी एक तरह से वही है कि आपको अंदर वाले को एक्स करना है तो एक्स के क्या रखना है? अंदर वाले फंक्शन का इनवर्स. ठीक है, बात समझ में से कोई? तो जो आपको कई बार होता है ना, आप लोग बोलते थे कैसे पता चला इसको टी रख दे, वो यही यहां से पता चला. ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर है? किसी को यहां तक कुछ पूछना है? एनीवन? किसी को यहां तक कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछे. सर हाँ जी बोले बोलो वरुण. हाँ, तो ये मेथड जो है वो सिर्फ जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो तब यूज कर सकते हैं. हाँ, नॉर्मली जहाँ पे हम एक्स का जो फंक्शन ऑफ वाई या वाई का जो फंक्शन ऑफ लिख अलग अलग लिख सकते हैं वहां पे ये पॉसिबल होता है. रेंज निकाल, मैंने बोला था रेंज निकालने का तरीके कई सारे हैं. मैंने आपको जब मैंने शुरू में तरीका बताया आपको अजीब लगा, लेकिन अब अगर इनवर्स के साथ देखो तो आपको ये इतना अजीब नहीं लगेगा. समझ रहे हो? हाँ सर. ओके ना, तो इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक, नंबर एक. दूसरा, f ऑफ f इनवर्स x हमेशा x होगा. f ऑफ f इनवर्स y हमेशा क्या होगा? x हो. f ऑफ f इनवर्स x भी x होगा. और ध्यान देना x यहाँ पे a के होना चाहिए, यहाँ पे x should be element of b. अगर x उस इंटरवल में उस सेट में नहीं है तो ये x नहीं होगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस कारण से ये हमेशा ध्यान रखना भाई, है ना. अगले चैप्टर ITF, पूरा ITF इसी पे डिपेंडेंट है. इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं. दूसरा, ये एफ और जी दो बाइजेक्शन है, एफ ए से बी है, जी बी से है. ठीक है, जी जो है वो बी से सी है, ये दो बाइजेक्टिव है. तो ध्यान दो, ये दो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका मतलब कैसा होगा? ये a, ये b, यहाँ पे 1 2 3 4 a b c d, यहाँ पे x y z w, ये सेट है. अब ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो ये बाइजेक्टिव हो गया. ये भी b से c से z बाइजेक्टिव है, तो मतलब एक का एक ही होगा. तो ये वाला फंक्शन जो है
वो आपको जी बोला है, ये वाला फंक्शन आपको एफ बोला है, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स, ये जो फंक्शन है जी ऑफ एफ एक्स में बताओ क्या होगा। अगर मैं वन वैल्यू रखूंगा, वन रखूंगा तो एफ एक्स क्या आएगा, ए। जी ऑफ ए कितना आएगा, एक्स। तो वन रखने पे आ रहा है एक्स, टू रखने पे क्या आ रहा है वाई, थ्री रखने पे क्या आ रहा है जेड, फोर रखने पे क्या आ रहा है डब्ल्यू। ये किसकी बात है, जी ऑफ एफ एक्स। अब बताओ कि अगर मैं इसे उल्टा जाऊं, मतलब जी इनवर्स, ये सी, ये बी और ये ए। सी में कौन है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, बी में कौन है ए बी सी डी, इसमें वन टू थ्री फोर, ये आपका जी इनवर्स, एक्स का ए वाई का बी जेड का सी डब्ल्यू का डी। एक ये आपका है एफ इनवर्स, ऐसे। तो बताओ जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ, अगर मैं यहाँ एक्स रखूंगा, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई रखूं, जेड रखूं या डब्ल्यू रखूं। एक्स रखा तो क्या आएगा ए, ए रखा तो क्या आएगा वन, इसकी वैल्यू वन, ठीक है। इसकी वैल्यू टू, इसकी वैल्यू थ्री और इसकी वैल्यू फोर। ये उल्टा होगा ना, नहीं ये भी जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स यही आएगा। यहाँ पे देखो जी गॉफ का इनवर्स है, ये जो आया ये क्या आया गॉफ आया ना। अगर अब मैं गॉफ का इनवर्स, एफ इनवर्स एक्स कैसे लिखेंगे आप, एफ इनवर्स देखो एफ ये था ए से बी में, कौन सा वन टू ए, टू टू बी, थ्री टू सी, फोर टू डी, ये एफ इनवर्स है उसमें, है ना, ये एफ इनवर्स है। तो अभी ये जो हमारा जो निकला, ये वाला जो पार्ट आया कि वन कॉमा एक्स, टू कॉमा वाई, थ्री कॉमा जेड, फोर कॉमा डब्ल्यू, ये क्या आया गॉफ आया। तो इसका इनवर्स क्या होगा, एक्स कॉमा वन, वाई कॉमा टू, जेड कॉमा थ्री और डब्ल्यू कॉमा फोर आएगा। तो ये आया गॉफ इनवर्स। जरा यहां देखो, यहां पे आया एक्स कॉमा वन, वाई कॉमा टू, जेड कॉमा थ्री और डब्ल्यू कॉमा फोर आया। जरा देखो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए और ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए सेम आए ना, इस कारण से गॉफ का इनवर्स किसके बराबर होगा, जी इनवर्स ऑफ, किसके बराबर हो गया, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, मुझको बता के दस से ये है आपका एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स और गॉफ के इनवर्स का दोनों का सेट क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, मतलब दोनों क्या है सेम। मतलब देखो ये डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा देखने देखने में गड़बड़ है लेकिन मतलब डरावना लगता है आसान। अगर सब सुन रहे हो तो सबको आसान लगेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ बीच में दो तीन लोग धराशाही हो गए, दो चार लोग गायब हो गए। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये गॉफ था, गॉफ का इनवर्स लिया तो इनवर्स दोनों पे चला गया, जी का इनवर्स और एफ का इनवर्स, लेकिन उल्टा हो गया। पहले कौन आ गया यहाँ पे, पहले कौन था जी, यहाँ पहले कौन है एफ। तो इसे हम लोग एक तरह से शॉर्ट में याद रखने के लिए बोल सकते हैं कि रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ मतलब क्या, जो ऑर्डर होगा इनवर्स लेने पे वो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं सकते ये तो जी ऑफ एफ का इनवर्स इज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब एफ ए से बी में बाइजेक्टिव है और जी जो है वो बी से सी में बाइजेक्टिव है। ये जो आपका एफ का रेंज है,
वो आपके डोमेन ऑफ जी है, ठीक है, ये चीज सेम है, ठीक है, तभी ये पॉसिबल, ये दोनों बाइजेक्टिव होने चाहिए, इसमें मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है। आगे आते हैं, अब इसके अलावा एक छोटी सी चीज मैं यहां पे और रिड्यूस करता हूं, वो है कि अगर एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स और उसका इनवर्स फंक्शन है f इनवर्स x, तो यहां पे अगर x इक्वल्स टू a रखने पे y की वैल्यू b आती है, तो यहां पे b रखने पे आंसर क्या आएगा a, मतलब इसके ग्राफ में, इसके ग्राफ में y इक्वल्स टू एफ एक्स के ग्राफ में, y इक्वल्स टू एफ एक्स के ग्राफ में अगर एक पॉइंट x कॉमा y है, तो y इक्वल्स टू एफ इनवर्स x के ग्राफ में कौन सा पॉइंट होगा, y कॉमा x। लेकिन स्ट्रेट लाइन याद करो, स्ट्रेट लाइन में आपने क्या पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, उसका इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x क्या आता था, बीटा कॉमा अल्फा। वेरी गुड, अब बताओ इसको यहां पे किसी तरह से यहां कोरिलेट कर सकते हो क्या, कैन एनीवन कोरिलेट दिस थिंग, वो ग्राफ सिमेट्रिक होगा x इक्वल टू y, किसके अबाउट, इक्वल टू y, y इक्वल टू x, बेसिकली हाँ, मतलब एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है एफ एक्स का, ठीक है, ये लाइन हो गई y इक्वल टू x, और मेरे पास है एक ग्राफ है, ये लेट से ग्राफ है एफ एक्स का, ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होगा वो इसका इमेज होगा किसके अबाउट, अबाउट द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स, देख लो ये इसका इमेज है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान होगा, आप उसे कनेक्ट कर पाओगे। ये y इक्वल्स टू एल एन एक्स का ग्राफ हुआ, ठीक है, y इक्वल्स टू एल एन एक्स, और ग्राफ बनाओ e की पावर x का, e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है, बनता है, अगर y को e की पावर x लिखें तो x को क्या एल एन वाई लिख सकते हैं, और y की जगह x और x की जगह y कर दूं तो y इक्वल्स टू एल एन एक्स हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो इस कारण से अगर आप दोनों के ग्राफ देखोगे तो दोनों के ग्राफ y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट एक दूसरे के इमेज होते हैं, ठीक है, मतलब अगर ये एक लाइन है y इक्वल्स टू x और ये ग्राफ है किसका, एफ एक्स का, तो बताओ इसका इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा आएगा, है ना। अब बताओ ये दोनों इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, इनके जितने भी इंटरसेक्शन आ रहे हैं वो किस लाइन पे आ रहे हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स पे आ रहे हैं ना। इस कारण से अगर एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स दे रखा है तो यहां पे तो इसका मतलब जी एक्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, एफ इनवर्स एक्स, है ना, जी एक्स बेसिकली क्या होना चाहिए, एफ इनवर्स एक्स। लेकिन जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, वो वही मिलेगा जहां पे एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स, जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, समझ आ रहा है। तो एफ एक्स का ग्राफ और उसका इनवर्स का ग्राफ एक दूसरे के इमेज होते हैं अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, और दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, नॉर्मली दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस जगह पे जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं किसको, वाई इक्वल टू एक्स पे, क्या बात सबको क्लियर है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको किसी को इसमें कुछ पूछना है? एनीवन? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। नहीं सर। हाँ बोलो। पीछे एक डाउट था। इसमें सर आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन सर वो फिर से एक बार बता सकते हो? आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल्स टू x होता है, ठीक है, y इक्वल्स टू x एक आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब जो वैल्यू रखोगे वही वैल्यू बाहर आ जाती है, ठीक है। तो अगर जी एफ का इनवर्स है तो आप कंपोजिट बनाओगे किसका? f और उसके इनवर्स का, तो हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ओके ठीक है। हाँ 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 सर। अब देखो यहाँ पे बोला है कि f ऑफ x, ठीक है, f x इक्वल्स टू f इनवर्स x, देख रहे हो? अभी जो मैंने चीज बताई वही चीज पे उनको सेम क्वेश्चन आ गया। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अब बताओ दो दो इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकलता है? दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? तो बताओ एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। इस कारण से ये जो वाई है दैट शुड बी इक्वल टू एक्स। तो हमें कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है? एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, मतलब x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो बताओ ये x इक्वल टू क्या आ गया? टू। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन से क्या होगा? x इक्वल टू टू। समझा? हाँ सर। ये इक्वल टू x क्यों करा? क्योंकि fx और f इनवर्स है, ये जाके इंटरसेक्ट एक ही जगह करेंगे जहां पे दोनों एक दूसरे को y इक्वल्स टू x पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो फिर से ये एक इन्वर्टिबल मैपिंग है, ठीक है। अगर ये इन्वर्टिबल है तो देखो क्यूबिक है, क्यूबिक है तो रेंज तो आ रही होगी, लेकिन इसका वन वन होना जरूरी है। अब ये वन वन कब होगी? ये वन वन कब होगा? जब ये हमेशा इंक्रीजिंग या फिर हमेशा क्या हो? डिक्रीजिंग। इस कारण से इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितना आएगा? टी एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए प्लस टू एक्स प्लस थ्री ए। ये हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव आ रहा है, ये हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता, ये सिर्फ क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन इसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट डी कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर दिस डी शुड बी लेस देन इक्वल जीरो। तो यहाँ पे डी लेस देन इक्वल जीरो करो तो बताओ क्या होगा? फोर टाइम्स ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स नाइन ए, ये आपका लेस देन इक्वल जीरो। तो ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन ए लेस देन इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर लेस देन इक्वल जीरो, ये फैक्टराइज हो जाएगा ए माइनस वन इंटू ए माइनस फोर लेस देन इक्वल जीरो। तो ए का रेंज आना चाहिए वन से लेके कहां तक? फोर तक। क्लियर हुआ? इस कारण से अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो ये देखो इन्वर्टिबल है तो ऑन टू तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्यूबिक है और क्यूबिक का रेंज आर होता है, वन वन होना चाहिए साथ में, तो वन वन होने के लिए इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल जीरो फॉर ऑल एक्स। तो कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होगा? जब उसका पैराबोला ऐसा हो, ठीक है। ऐसा तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होगा? लेस देन इक्वल, या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो, ठीक है। तो दोनों केस में डी लेस देन इक्वल जीरो, तो ये हम लोग यहां पे लेते हैं तो ए का रेंज आ जाता है वन से लेके फोर। सबको समझ में आया?
सर सर वो डिफरेंशिएट क्यों नहीं क्यों किया हुआ समझ में नहीं आया बेटा देखो वन वन चेक करने के तरीके कौन कौन से थे अच्छा हाँ 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 वो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना चाहिए हाँ और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक होता है कि अगर बस की फंक्शन हमेशा का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो हाँ है ओके हाँ सर चलो बेटा आज के सर ये हमेशा ऑन टू क्यों ऑन टू इसका क्यूबिक है ना बेटा क्यूबिक हमने पढ़ा था कि ऑड डिग्री के पॉलीनोमियल्स का रेंज हमेशा आर होता है और इवन डिग्री के पॉलीनोमियल्स का रेंज हमेशा आर का सबसेट होता है हाँ सर तो आज के लिए इतना ही अपना टाइम सेशन भी खत्म होने वाला है तो बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कल बात करेंगे कल पीरियोडिक फंक्शन बचा है पीरियोडिक फंक्शन कल फिनिश ऑफ कर देंगे है ना कल हम लोग फंक्शन फिनिश ऑफ कर देंगे यस सर